बिहार के पालीगंज में जानलेवा लापरवाही का एक मामला सामने आया है। पालीगंज में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक शादी समारोह में लगभग 350 लोगों को आमंत्रित किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन 350 में से 100 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दूल्हे की शादी के 2 दिन बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूल्हे को पहले से ही बुखार की शिकायत, उसके बार बार मना करने के बावजूद भी घर वालों के दबाव में उसे शादी करनी पड़ी। इस दौरान उसे नॉर्मल बुखार की दवाई पैरासिटामोल खिलाई जा रही थी, लेकिन सही समय पर सही उपचार न मिलने के चलते 2 दिन बाद दूल्हे की मौत हो गई। साथ ही ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि घर वालों ने ये महज दहेज की लालच में किया। जब घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली तो शादी में मौजूद सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिनमें से 100 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कुछ लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ये पूरा मामला 15 जून का बताया जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन पर नकेल कसने के लिए कमर कस ली है। भारत ने हाल ही में 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है। इन ऐप्स में टिकटॉक और वीवो जैसे ऐप भी शामिल है, जो काफी पॉपुलर है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना अकाउंट वीवो से हटा दिया है। पीएम मोदी ने कुछ साल पहले ही वीवो ज्वाइन किया था। वीवो पर पीएम मोदी के 115 पोस्ट थे। यह मैनुअल रूप से उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया है और बहुत प्रयास के बाद 113 पोस्ट को हटा दिया गया है। सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लद्दाख जा सकते हैं। उनके साथ थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ईस्टर्न लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। जाहिर है कि ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल है। सूत्रों के मुताबिक लद्दाख यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटके शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कल दोपहर को शिवराज सिंह चौहान की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लगा दी है। शिवराज की कैबिनेट में विस्तार के बाद 25 से 30 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इससे पहले शिवराज सिंह दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिलने पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के विस्तार में जिन 25 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है, उनमें से 10 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से बताए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से ही देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हुई, लेकिन अनलॉक 1 के बाद भी जून के महीने में देश की बेरोजगारी दर में भारी गिरावट देखने को मिली। इस दौरान बेरोजगारी दर सिर्फ 10.99% रही, जबकि मई में यह 23.48% की ऊंचाई पर थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में देश में कुल 37.3 करोड़ लोग रोजगार में थे। इस तरह जून में रोजगार की दर 35.9% थी। आंकड़ों के मुताबिक जून महीने के दौरान सबसे ज्यादा 33.6% बेरोजगारी हरियाणा में रही। इसके बाद त्रिपुरा में 21.3%, झारखंड में 21% बेरोजगारी दर रही। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सेंट्रल न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।